हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ अरबी के पत्तों के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे स्नैक्स के तरीके या आपका जैसे मन चाहे वैसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए चना दाल, उड़द दाल, या मैंने 1/2 किलो उड़द दाल ली है और मैंने लगभग 50 ग्राम के लगभग मैंने चना डाल लिया, जिसे मैंने 6 घंटे पहले पानी भिगो दिया था। अरवी के पत्ते मैंने इसे बारीक कट कर लिया है और यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया की पत्ती ले लिया हमने। चना दाल और उड़द दाल इसे हमने पीस लिया है। इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले इसे पीसेंगे। और इस जो धनिया, लहसुन, हरी मिर्च है इसे भी हम पीसेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये डालकर इसमें पीस लेंगे। देखिए, उड़द दाल और चना दाल जो हमने भिगो था उसे पीस लिया है। इसमें हमने डाला है जीरा, एक चम्मच के लगभग मैंने इसमें जीरा डाला है। और जो चटनी ली थी मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें चटनी डाल दिए आप, और अरवी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें डालेंगे नमक, हींग और डालेंगे अमचूर पाउडर। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। चटनी आप अपने हिसाब से डालिए, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप तीखा चटपटा जैसे पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। इसे सैना भी कहा जाता है। सैना क्या होता है, जो अरवी के पत्ते होते हैं उस पे हम ये जो मैंने पेस्ट बनाया था वो उसे लगाकर स्टीम दिया जाता है और फिर उसे डीप फ्राई या शेलो फ्राई किया जाता है। मैंने बट इसे पकौड़ी की तरह बनाया है, इसलिए मैंने इसे ऐसे बनाया है। देखिए, मैंने कढ़ाई गर्म करे रखी, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। एक बाउल में हमने पानी ले लिया अलग से। पानी को हाथों पर लगा करके हम जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है पकौड़ों का, हाथों पे लगा के टिकिया की तरह बना लेंगे, आप देख सकते हैं। और इसे आराम से संभालते हुए तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम एक बार में 3 से 4 जितनी पकौड़ियाँ हैं उतनी डाल देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। इसे तेज़ आंच पे नहीं पकने नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। स्लो फ्लेम पे इसे पकने दें। देखिए, इसे मैं पका रही हूँ, इसे पलट देते हैं। चलिए, ये दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे और गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। देखिए, ये पक चुके हैं, थोड़ा सा और पका लेते हैं इसे। ये पकाने में आपको 7 से 8 मिनट का वक्त लग सकता है क्योंकि ये स्लो फ्लेम पे पकाना है। इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं। चलिए, इसे टिश्यू पे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी सारी पकौड़ियों को तलकर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारी सारी पकौड़ियाँ तलकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।